change the size of the copied image. First, click on Edit option from the menu bar. Select the Free Transform tool from the list, or you can directly use the keyboard shortcut Ctrl plus T if you want to change the size of any copied image. Copied image जो image आपने copy करी थी, उस actual image नहीं, copy image की अगर आप size को change करना चाहते हैं, then click on menu bar, then select a Free Transform tool और press shortcut की Ctrl plus T. The resizing handles will appear around the copied part of the image. Drag the resizing handle to increase or decrease the selected part size on the image. You can use the move tool to position the picture. आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, और देन सेलेक्ट मूव टूल टू पोजिशन द इमेज. अब इमेज को आप जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं, मूव टूल से के थ्रू सेलेक्ट करके आप ड्रैग करके उसको सेलेक्ट पोजिशन दे सकते हैं. कॉपी या सेलेक्शन टू अनदर इमेज. टिल नाउ यू स्टडीड अबाउट हाउ टू मूव अ कॉपी पार्ट ऑफ एन इमेज. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू कॉपी द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज टू एनी डिजायर्ड पोजिशन और एन इमेज. मीन्स जो इमेज का कोई पार्ट आपने जो कॉपी किया था, उसको आप डिजायर्ड पोजिशन पर किसी और इमेज के साथ अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वट आर द स्टेप्स. फर्स्ट यू नीड टू ओपन बोथ इमेजेस. जिस इमेज के साथ उसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एरोप्लेन और एक छोटा बेबी दिखाया गया जो कि दूरबीन लिए हुए है, तो दोनों पिक्चर्स को ऐड करना है, एक सिंगल पिक्चर क्रिएट करना है. तो सेलेक्ट बोथ द पिक्चर्स, सोर्स इमेज एज वेल एज द डेस्टिनेशन इमेज ऑन द फोटोशॉप. सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज फ्रॉम द सोर्स इमेज यूजिंग एनी टाइप ऑफ सेलेक्शन. क्लिक ऑन सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द मेन्यू बार. क्लिक ऑन मॉडिफाई ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट फेदर. आपको मॉडिफाई ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट फेदर ऑप्शन. द फेदर सेलेक्शन डायलॉग बॉक्स विल अपेयर. एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर ऑन इन दिस डायलॉग बॉक्स. राइट डाउन द पिक्सल्स वैल्यू. इनपुट अ डिजायर्ड रेडियस ऑफ फेदर इन पिक्सल्स. क्लिक ऑन ओके. आप रेडियस के अकॉर्डिंग जितना दोनों पिक्चर्स में आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, उसका रेडियस आप वहाँ पे दे देंगे. देन फ्रॉम द एडिट ऑप्शन इन द मेन्यू बार सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन. फ्रॉम द एडिट मेन्यू इन द मेन्यू बार सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन. क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन इमेज ऑन द इमेज फाइल. अब आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जो डेस्टिनेशन है, मीन्स जिससे कि आप सोर्स इमेज को रिलेट करना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक कर देंगे डेस्टिनेशन इमेज फाइल. From the edit menu, select the paste option. The selected part of the source image will get pasted on the destination image. Use the move tool to adjust the pasted part of the image to be preferred location. आप move tool के through drag करके उस image को first image के साथ आप relate कर देंगे. Then you may use the free transform tool from the edit menu or press Ctrl plus T. या तो आप free form tool को use कर लेंगे और या फिर आप shortcut की कंट्रोल प्लस टी को यूज़ कर लेंगे. मींस टू पिक्चर्स जो कि सोर्स पिक्चर थी और डेस्टिनेशन पिक्चर थी, आपस को उन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस टी और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करेंगे. यू मे आस्क व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेदर टूल. दिस टूल सॉफ्टेंस द एंड ब्लर्स द एज. फेदर टूल क्या करता है? दिस टूल सॉफ्टेंस एंड ब्लर्स द एज ऑफ अ सेलेक्टेड रीजन. You can, to a certain degree. Feather tool is used to conceal the joining. Two pictures को जब हम join कर रहे हैं, एक साथ relate करके दिखाना चाह रहे हैं, तो when you paste the selected part to the destination image. Working with text in Photoshop, अब आपने two images को आपस में merge कर दिया है. अब उसके ऊपर अगर आप कोई text display करना चाहते हैं, तो with the help of type tool, you can insert text in your image. The steps are open the image on which you want have to paste the text. Right click on type tool from the tools panel. Four different styles of text options will appear on the submenu. Select any of them. From the options bar, you can select the font, color, etc. Click anywhere on the image, the cursor will appear. Start writing your text. तो आप जहाँ पर भी text को apply करना चाहते हैं, आप उस portion को select करेंगे. जो भी कलर और जो भी साइज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए. देन देयर इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स. राइट डाउन एनी टेक्स्ट
जो भी आप वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं आप उसको टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैपिंग टेक्स्ट। वी यूज दिस फीचर टू पोजिशन द लेटर और टेक्स्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स। डिफरेंट स्टाइल्स मीन्स व्हेन यू टाइप द टेक्स्ट ऑन द इमेज और देन इफ यू वांट टू चेंज योर स्टाइल और कलर ऑफ द टेक्स्ट और साइज ऑफ द टेक्स्ट देन द ऑप्शन इज वैपिंग टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू हैव रिटन ऑन द इमेज। क्लिक ऑन द क्रिएटेड वैप टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस बार। The warp text tool dialog box appears. Select any desired warping effects and then edit the settings to create the effect. Click on OK to apply the desired effect. So if it means if you want to change the style of the text, then select warp option. Next is the layers palette. Layers palette means you will find all the layers that you have created over the image while editing it. लेयर्स मीन्स जब हम लोग किसी इमेज पे वर्क करते हैं तो आपने जैसे फर्स्ट टाइम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया तो उस इमेज की फर्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगी। देन आपने सेकंड मॉडिफिकेशन किया सेकंड लेयर क्रिएट हो जाएगी। मीन्स किसी एक इमेज में आप जितनी बार मॉडिफिकेशंस करेंगे उसकी उतनी ही लेयर्स क्रिएट होती जाएंगी। तो यू विल फाइंड द लेयर्स पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप प्रोग्राम विंडो। यूजिंग द ऑप्शंस इन दिस पैलेट यू कैन क्रिएट न्यू लेयर, हाइड अ लेयर, डिस्प्ले अ लेयर एंड मच मोर। लेयर्स इन फोटोशॉप। एन इमेज कैन बी मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। लेयर्स आर लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑन विच डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इमेज आर मेड सेपरेटली। वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट लेयर्स थ्रू द लेयर पैलेट। मीन्स जैसे आप कोई पिक्चर क्रिएट कर रहे हो तो आपने फर्स्ट उसका बैकग्राउंड लिया, उसका वन लेयर क्रिएट हो गई। देन आप उसमें इमेज फिक्स कर रहे हो, सेकंड इमेज फिक्स कर रहे हो, आप टेक्स्ट वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो जितना पोर्शन आप हर बार क्रिएट करते जाओगे तो उसकी बहुत सारी लेयर्स क्रिएट होती चली जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द लेयर पैलेट्स। रीटचिंग टूल्स इन फोटोशॉप। रीटचिंग टूल्स इन फोटो मीन्स व्हेन यू क्रिएट अ कंप्लीट इमेज ऑन द स्क्रीन देन इफ यू वांट टू सम चेंजेस or to copy the same image but different effect, then we use retouching option. So there are number of options or number of tools are there. Some of these effects are designed to enhance the quality of the image. Aap quality uski change kar sakte ho. Other tools help you to give your image a better finish. Some of these tools are clone stamp tool, pattern stamp tool, healing brush tool, spot healing brush tool, patch tool, डॉच टूल, बर्न टूल एंड इरेजर टूल। तो फर्स्ट इज क्लोन स्टैम्प टूल। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लोन और कॉपी ऑफ कम्प्लीट इमेज। आपने कम्प्लीट इमेज बना रखी है उसकी आप सेकेंड कॉपी क्रिएट कर रहे हैं और जो सेकेंड कॉपी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं देन यूज क्लोन स्टैम्प टूल। और अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमेज एंड पेंट देम ऑन एनी अदर पार्ट रिपीटली। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द इमेज। Second, click on the clone stamp tool from the tools panel. Press and hold the alt key and click on the part of the image or image which has to be cloned. जहाँ पर आपको उसको changes करने, जैसे यहाँ पर इन्होंने sun दिखाया हुआ है और sun का ही एक और option वहाँ पर उन्होंने second figure में two वहाँ पर sun और moon आप कह लीजिए तो two options show करें but उसको हल्का सा cut कर दिया है तो यहाँ पर clone option use किया जा रहा है। उसके लिए आप alt key को press करेंगे और उस इमेज पर आप क्लिक करेंगे जिसमें आपको क्लोन करना है। नाउ गो टू द पोजिशन ऑन द कैनवास वेयर द क्लोन हैज़ टू बी क्रिएटेड। ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द क्लोन, रिलीज व्हेन यू आर डन। यहाँ पे देखिए जो सेकंड पार्ट ऑफ मून है उसको हल्का सा कट कर दिया गया है।